मुझे 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 माफ कर दीजिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने हमारी सीमा रेखा लांघने की कोशिश की, अब तुम्हें महामहिम के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इन दिशाओं के पार है क्या। दरवाजा बंद करके बैठे, डांट मुझे पड़नी है। हमारी दुनिया के उसूल होते, अरे मूर्ख, इन दिशाओं के पार है दहशत, जीवन के खत्म होते लम्हों की दहशत। कौन चाहिए? मुझे अंदर जाना है भाई। क्यों? काम है। क्या काम है मुझे बताओ। इंसानी दिलों में खत्म होती इंसानियत की दहशत। अंदर रिहर्सल चल रही है, बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, समझे? मिस्टर सार्थक को ये बॉक्स देना। आप ये बॉक्स मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, इन्हें सार्थक साहब से मिलना है, ये बॉक्स देना है उन्हें। सार्थक साहब तैयार हो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे उन्हें। ऐसा कम करो, ये दे दो मुझे, मैं उन्हें दे दूंगा। तो ठीक है। संसार में फैल रहे शैतान की दहशत। सार्थक साहब को भी नए नए गिफ्ट आते ही रहते हैं। नाम वाला एक्टर है भाई, गिफ्ट तो आएंगे ही, लेकिन उन्होंने मना किया था कि उनके नाम पे कोई गिफ्ट आए तो लेना मत। तो आपने फिर क्यों ले लिया? अब ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, देखते हैं इसके अंदर है क्या। हमारी दुनिया के कुछ उसूल होते हैं मोंटारी, और तुमने उन उसूलों को नकार कर अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। जिंदगी के आखिरी दिन में खुशियां मना ले, कल का सूरज देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। किसी ने मजाक किया होगा यार। क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं सर, किसी ने मजाक किया सार्थक सर के साथ, ये बॉक्स भेज के, ये सब क्या है? लेके जाओ इसे महामहिम के पास। नहीं, मैं तुझे सर, दो बार सार्थक को बुलाने के लिए भेज चुका हूँ, मैं वहाँ बैठा इंतजार कर रहा हूँ ना। सर मैं गया था सर, दो बार नॉक भी किया, ये बॉक्स देके चला गया वो लड़का। सर, ये किसी ने मजाक किया। You will not leave to see tomorrow? क्या? सार्थक दरवाजा खोलो, सार्थक। दरवाजा नहीं खोल रहा है, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते हैं। क्या सर, आप तो तैयार होके बैठे हैं, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खुला आपने? कितना सुनाया सर ने आपके कारण, मालूम है सर? सार्थक, सार्थक, नाम क्या है इनका? जी सार्थक, बहुत ही फेमस एक्टर है, सॉरी थे, इस तरह के भूतिया रोल करने में माहिर। अच्छा, बॉडी पे सर कहीं भी कोई घाव नहीं है, और अभिजीत गला घोटने का कोई निशान नहीं है, और भी कोई निशान नहीं है, बस सिर्फ ये दो टैटू के निशान। तो फिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे सर? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। इसका शरीर बुरी तरह से अकड़ गया है, राइगर मोर्टिस। हाँ, राइगर मोर्टिस। एक बात बताइए, आप इनकी मौत कब हुई? सर यही को लगभग आधा घंटा पहले। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आधा घंटे पहले मौत हुई है इनकी? सर आधा घंटा पहले मैंने इन्हें जिंदा देखा था। मैनेजर साहब, मौत के आधे घंटे बाद बॉडी की हालत ऐसे नहीं होती, समझे आप? वैसे इनकी मौत के बारे में पता कैसे चला तुम लोगों को? हम इन्हें रिहर्सल के लिए बुलाने गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा बंद था?
मतलब आप लोगों ने तोड़ा ये दरवाजा? जी, जब हम अंदर आए तो हमने इन्हें उठाने की कोशिश की तो ये आगे लुढ़क गए, फिर हमने इनको पीछे सीधा बैठा दिया। स्टेज पर आने के लिए और भी कोई रास्ता है? मेरा मतलब है कोई पीछे का दरवाजा? हाँ सर। मतलब उस दरवाजे से स्टेज पर कोई भी आ जा सकता है? नहीं सर, पिछला दरवाजा हमने बंद रखा है और बाहर जाने रास्ते में हमेशा गार्ड रहते हैं। मतलब नाटक के लोगों के अलावा यहाँ बाहर से कोई भी नहीं आया था, है ना? नहीं सर। ठीक है, तुम लोग बाहर स्टेज पर खड़े रहो। ठीक है सर। थैंक यू। अभिजीत, इसका शरीर इतना अकड़ गया है, कम से कम 4 घंटे तो लगते हैं राइगर मोर्टिस सेट होने में। और सर, शरीर अकड़ा हुआ है, शरीर पे कोई घाव नहीं है, मौत की वजह पता नहीं चल रही है, कहीं से कोई बीमारी तो नहीं है? ये तो अब सालंकी ही बता सकता है। हाँ बस, सालंकी देख ले भैया, इसे बता दे इसकी मौत कैसे हुई है। ठीक है, देखते हैं। सर, सर इस बॉक्स में जो भी चीजें हैं सब नकली हैं सर। नकली है? हाँ, ये स्कल और ये खून, ये सब नकली? सब नकली है सर। ये क्या लिखा है? अपनी जिंदगी का आखिरी दिन खुशियां मना लो, कल का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अभिजीत, ये जो भी कोई है, ये सार्थक को डराना चाहता था, धमकी दे रहा था। काम करो, स्टेज पर नाटक के जितने भी लोग हैं उन सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो, अच्छी तरह से। सार्थक की मौत हार्ट अटैक से हुई है? जी नहीं, सार्थक को हार्ट अटैक नहीं आया था। बॉस, इस एक्टर की मौत की कहानी तो किसी ने अलग ही लिख दी है। क्या मतलब? मतलब इसकी कहानी की शुरुआत तो है, लेकिन कहानी बीच में कहां भटक गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो, इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। हाँ यार सड़के, वाकई। और यहां देख, बॉस इसके हाथ भी पीले पड़ गए, लगता है इसकी पूरी बॉडी पीली पड़ी हुई है। ऐसा लगता है इस आदमी ने तो कई दिन से खाना ही नहीं खाया। सर, हाँ? सर इसके पैर तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। क्यों, पैर क्या कहानी बता रहे हैं? ये देखिए सर, ये पैर सूज गए और इनका रंग जामुनी पर्पल हो गया है। बॉस, ये आदमी कुर्सी पर बैठे बैठे ही मर गया। हाँ, और फिर मरने के बाद इसके बॉडी का सारा फ्लूइड, पानी उस पैरों में इकट्ठा हो गया, इसलिए सूज गया। मगर इसका शरीर आधे घंटे में अकड़ कैसे गया? हाँ सर, ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। सुन, क्या और एक बात है? क्या? इसे कोई डरा रहा था, धमका रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस धमके की डर की वजह से इसे हार्ट अटैक आया हो? लेकिन बॉस, मुद्दे की बात यह है कि आधा घंटे के अंदर इस आदमी का शरीर अकड़ कैसे गया? मुझे लगता है कोई और मामला है। ये भी तो हो सकता है कि इसे किसी ने जहर दिया हो। हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है। अभी मैं साफ साफ कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात मुझे लगती है बस, मामला ये खून का ही है। फिर उनकी मौत कैसे हुई? सार्थक का किसी ने खून किया है। खून? किसने खून किया उनका? शायद तुमने। मैंने? मैं क्यों खून करूंगा उनका? या तुमने? तुमने खून तो यहीं के किसी आदमी ने किया है। एक बात बताइए, आप लोगों में से किसी ने सार्थी के कमरे से किसी भी तरीके की कोई आवाज सुनी? हम लोग तो स्टेज पर थे सर, अगर कोई आवाज आई भी होगी तो हमें पता नहीं चला। सबके सब स्टेज पे थे या कोई कहीं और भी था? नहीं सर, मैं विंग्स में था। आप भी आर्टिस्ट? जी नहीं, मैं इस प्ले का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। वहाँ पे आपके साथ कोई और भी था? जी हाँ, मेरे साथ ये मेरे मैनेजर मिस्टर कमल थे। आप hey, तुम क्या हो रहा है, है? लगता है इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुमको मिलने वाला है। यहाँ पे खून की इंक्वायरी चल रही है और तुम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो यहाँ पे। सार्थक का रोल मुझे मिलने वाला है, अगर वो रोल मिल गया तो अवार्ड मेरा। अवार्ड तो तब मिलेगा जब ये प्ले होगा। सर, प्ले तो जरूर होगा।
कमाल कर रहे हैं आप है? आपके लीड एक्टर का खून हो गया है और आपको प्ले की पड़ी हुई है। सर सारी टिकटें बिक चुकी हैं, प्ले हाउसफुल हो चुका है, शो को कैसे रोकेंगे? वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी, शो मस्ट गो ऑन। सर शो तो जरूर होगा, अब तो इस प्ले को देखने के लिए पब्लिक टूट पड़ेगी। ठीक है, प्ले होगा लेकिन यहां इस थिएटर में नहीं होगा। बाहर जो भी करना है करो, निकल। सब सबके बयान लो, जिस समय सार्थी की मौत हुई, कौन कहां पे था और क्या कर रहा था। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर उनके? अरे बॉस ये देखो, ये इसकी तो दोनों आंखों में खून बरस रहा है, मेरा काम तो और भी मुश्किल हो गया। उंगलियों का निशान, इसका मतलब कोई यहां से अंदर ताजा कर रहा था। बस एक काम करता हूं, मैं इस लाश को लेबोरेटरी लेके जाता हूं। ठीक है, वहां पर सारे टेस्ट करके ही पता लगेगा कि मामला है क्या। आप जी बाहर कुछ मिला? सर यहाँ पे उंगलियों के निशान है, ऐसा लगता है कोई यहाँ पे खड़ा होके अंदर सार्थक पे नजर रख रहा था। नील तो ठीक ठाक है। हाँ सर, ग्रिल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कौन है? ए! ड्रग्स? कौन था वो अभिजीत? पता नहीं सर, हाथ से निकल गया। तो ये क्या है? ड्रग्स है सर। हाँ? उसके साथ हाथापाई हुई तो उसके जेब में से ये ड्रग्स गिर गए, पक्का कोई ड्रग्स बेचने वाला ही था। यहाँ क्या कर रहा था वो? कि किसी को ड्रग्स बेचने आया था क्या? मगर यहाँ पे ड्रग्स कौन लेता होगा सर? फ्रेडी, कोई ना कोई तो है जो ड्रग्स लेता है यहाँ पर। काम करो, इस थिएटर में जितने भी लोग काम करते हैं, एक्टर्स टेक्नीशियंस सब लोग, उनकी जानकारी निकालो, पूछताछ करो। थिएटर के पीछे वाला दरवाजा बंद था, आगे वाले दरवाजे पे गार्ड खड़ा था, मतलब जो लोग थिएटर में थे खूनी उन्हीं में से कोई है। सर लेकिन खूनी के अलावा थिएटर में बहुत लोग मौजूद थे, तो उन्होंने खूनी को देखा कैसे नहीं, और फिर खूनी ने अपने आप को छुपाया कैसे होगा? वही तो। सर सर हमने उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है जो दिन सार्थक के साथ थिएटर में थे। वेरी गुड, चलो देखते हैं। सही गौतम है, डायरेक्टर काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाता है, लेकिन किसी को भी इसकी बात का बुरा नहीं लगता, काफी नामचीन डायरेक्टर है। खून के वक्त कहाँ पे था ये? से उस वक्त विंग में था अपने मैनेजर के साथ। नेक्स्ट। नहीं एक्ट्रेस है तीला, ये उस वक्त तो स्टेज पर ही थी। स्टेज पर ही थी। नेक्स्ट। तो ये है जीना, इसका कहना है कि ये उस वक्त टॉयलेट में थी। ये जो पुराना एक्टर है अंकुश, ये कहां पे था उस वक्त? तो ये उस वक्त कमरे में था। आई सी।
किसी ने देखा था इसे ये कमरे में है? नहीं सर। नहीं ना, तो हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। किसी ने इसे कमरे में देखा नहीं है और ये आदमी सार्थक का रोल करना चाहता है। सर अभी सार्थक के बारे में क्या डिटेल्स पता की? सर सार्थक कई सालों से थिएटर में काम कर रहा था, वो इस वैम्पायर रोल के लिए बहुत ही मशहूर था। अच्छा, इसके परिवार में कौन कौन? सर कहने को तो परिवार में कोई भी नहीं है, मगर सार्थक ने सुजाता नाम की एक्ट्रेस से शादी की थी और उनका डिवोर्स भी हो चुका है। सुजाता एक्ट्रेस? सुजाता जी, हमने सुना है कि आपका और सार्थक का डिवोर्स हो गया था। हाँ, इस डिवोर्स की वजह से मैं तो एकदम टूट गई थी, जिंदगी का एक एक पल दुख में डूब गया था। ये डायलॉग्स मैंने सुने हुए हैं। कहाँ पे? टीवी पे। सुजाता जी, ये एक्टिंग बंद कीजिए प्लीज, कुछ काम की बातें कीजिए। सार्थक की मौत से आपका क्या लेना देना है? अफसोस है मुझे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बहुत खुश हुई उसकी मौत की खबर सुनकर। मेरे नाम और पैसे की वजह से उसने मुझसे शादी की थी। मैं उसके गंदे शौकों पर अपना पैसा नहीं खर्च कर सकती थी। गंदे शौक? कैसे गंदे शौक? शराब और ड्रग्स की गंदी आदतों में यहाँ तक डूबा हुआ था वो। सार्थक ड्रग्स लेता था? उसके खून का एक एक कतरा ड्रग्स में डूबा हुआ था। मुझे तो लगता है उसकी मौत भी ड्रग्स के कारण हुई होगी। इसका मतलब मेकअप रूम के पीछे जो ड्रग वाला आदमी भागा था, वो सार्थक को ड्रग देने आया था। अरे सिर क्या हिला रहा है? तुझे वक्त चाहिए तो बता देना, मैं चला जाता हूँ, लेकिन इसे सिर हिलाकर हथियार मत डाल देना। अरे क्या करूँ यार, हथियार नहीं डालूंगा, बता मुझे क्या करूँ? इन टेस्टों की पूजा करूँ? और पूजा करने से भी क्या हो जाए, नतीजा वही निकलेगा जो निकल रहा है। देखो ये देखो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सार्थक की बीवी हमसे झूठ बोल रही थी कि ये ड्रग लेता है? बॉस, ये ड्रग लेता है या नहीं लेता इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसकी मौत ड्रग की वजह से नहीं हुई है, ये है मतलब की बात। अरे मेरे भाई, इसके बीवी ने हमें साफ साफ बताया कि ये सार्थक हर रोज ड्रग लेता था, हर रोज। अब वो ज्यादा लेता था, कम लेता था, खाता था या सूंघता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी मौत ड्रग्स लेने की वजह से ही हुई है। नहीं सर, इसकी मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई है, और हमने इसकी आंखें भी चेक की है। ये देखिए, आंखों की पुतलियां फैली हुई है। आंखों की पुतलियां ड्रग्स से फैली है? जो लोग रेगुलर ड्रग्स लेते हैं उनकी यही पहचान होती है। कमाल है, ड्रग्स की वजह से आंखों की पुतलियां फैल गई है, मगर मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई। नहीं, मुझे पता चल गया इसकी मौत कैसे हुई। ये रेडी डॉक्टर कौन है, तुम हो या सालुंखे? डॉक्टर तो सालुंखे साहब ही है। हाँ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रेडी फोरेंसिक लैब में खड़े होकर ये मत कहना कि इसकी मौत आत्माओं की वजह से हुई है, समझे? सर इसे आत्मा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? अरे मैं ये निशान देख के बोल रहा हूँ। अरे क्या निशान देख के बोल रहा है फ्रेडी? बॉस, ये इसने वैम्पायर के दांतों के टैटू का निशान बनवाया है अपनी गर्दन पे, ताकि वो जो ड्रग्स की सुइयां हैं उनका निशान छुपा सके। इसने अपने गर्दन पे वैम्पायर के दांतों के निशान बना लिए सुइयों के निशान छुपाने के लिए। ये देखो बॉस, ये आदमी यहीं से ड्रग्स लेता था। ये देखो, एक निशान तो अभी भी ताजा है। एक निशान अभी भी ताजा है का मतलब ये कि मरने से पहले इसने ड्रग्स लिए होंगे। यार हद हो गई सारों की, बार बार कह रहे हो मरने से पहले इसने ड्रग्स लिए, लेकिन इसकी मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई, और ये महाशय कह रहे कि इसकी मौत आत्माओं की वजह से हुई है। और तो फिर मौत हुई कैसे? देख साड़ूंगे, जब तक ठोस कुछ पता न चले मुझे मत बुलाना, समझे? मेरे पास वक्त नहीं है। अरे यार चलो बंद करो रिहर्सल। अरे क्या मुसीबत है, रिहर्सल करना भी मुश्किल है जब देखो कोई ना कोई आ जाता है पूछताछ करने के लिए। अगर आप लोग ये बता दें कि खूनी कौन है तो पूछताछ अपने आप बंद हो जाएगी। सार्थक ड्रग्स लेता था ये बात आप लोगों में से कौन कौन जानता था? दिमाग पे जोर डालो और जल्दी बताओ, नहीं तो एक ऐसा हाथ पड़ेगा कि तुम्हारे भूत भी डांस करने लगेंगे, समझा? जब आदमी अपने आप बैठे बैठे मर जाए तो उसे हार्ट अटैक क्या होगा ना सर? ड्रग्स लेता था वो, ये मालूम नहीं था? कैसे मालूम होता सर? वो तो हम लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, हमेशा अकेले अकेले ही रहते थे। यहाँ पे जितने मेकअप रूम्स हैं, उन सबको ध्यान से देखो, सार्थक के कमरे को और भी ध्यान से देखो,
देखो कहीं पे ड्रग्स के निशान मिलते हैं क्या। कांच टूटने की आवाज कहां से सर? लगता है ये कांच टूटने की आवाज बैट में से ही आई सर। चमकारन में से कांच टूटने की आवाज? हाँ, टूटे हुए कांच की आवाज तो आ रही है इसमें से सर। लेकिन ये कांच चमगादड़ के अंदर गया कैसे होगा? यहां से गया कांच अंदर। ये देखो, इस चमगादड़ के नीचे चोर खाचा बना हुआ है। Oh my God! टूटा हुआ इंजेक्शन? मतलब इस चमगादड़ में ये सिरिंज छुपा के रखा गया है। सर कहीं ये ड्रग्स वाली सिरिंज नहीं है? हो सकता है। मतलब सर वो आदमी जो यहाँ से भागा था, वो चोरी से सार्थक को ड्रग्स देने ही आया था। और इस तरीके से ड्रग्स लेता था ताकि किसी को पता ही ना चले, इसलिए उसने वो सिरिंज इस चमगादड़ में छुपा के रखा था। इस सिरिंज को डॉक्टर सालुंकी के पास भिजवा दो। ए, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? चलो वहां। सर, ये आदमी वहां पर कुछ कर रहा था। क्या कर रहे तुम यहाँ पे? साहब, मैं तो दरवाजा ठीक करने आया था। मैनेजर साहब ने फोन किया था, इसलिए मैं अभी आ गया। मैनेजर साहब, या? हाँ सर। इस आदमी को बुलाया था दरवाजा ठीक करने के लिए? हाँ सर, टॉयलेट का दरवाजा खराब था, कल मैंने से फोन किया था, आज आया ये। टॉयलेट का दरवाजा खराब है? हाँ, ठीक से बंद नहीं होता है। कोई दूसरा टॉयलेट है यहाँ स्टेज के पीछे? नहीं सर, सारे एक्टर लॉबी का टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब है ये टॉयलेट कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका दरवाजा खराब है। इस केस का पहला झूठ सामने आ गया। चीना, इस चीना ने हमसे झूठ बोला है। सर, आप लोग यहां? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे झूठ बोला? जब सार्थक का खून हुआ उस वक्त तुम टॉयलेट में थी? हाँ। कौन से टॉयलेट में? वो स्टेज के पीछे एक ही तो टॉयलेट है, मैं वहीं थी। वहां का टॉयलेट का दरवाजा बंद नहीं होता, ऐसे टॉयलेट में तुम कैसे गई? वो लॉबी में भी एक टॉयलेट है ना, मैं उसमें गई थी। जब सार्थक का खून हुआ उस वक्त तुम कहां थी? मैं किसी के साथ थी। किसके साथ थी? मैं अंकुश के साथ थी। तुम अंकुश के साथ में क्या कर रही थी? विवेक, अंकुश को बुलाओ। अंकुश, आपने हमें बताया कि जब सार्थक का खून हुआ तब आप अपने कमरे में थे। जी। और उस वक्त आपके साथ कोई और भी था? मैंने कहा था ना, किसी से कहना मत। तो आप दोनों साथ में थे? जी। कितनी देर तक साथ में थे तुम लोग? सर वो इंटरवल से तीसरे अंक तक हम दोनों साथ में थे। मैं इन्हें डिक्शन सिखा रहा था। आप इन्हें ठीक से हिंदी बोलना सिखा रहे हैं? जी। ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? दरअसल हिंदी की क्लास लेने के बदले ये मुझे कुछ पैसे देती थी, मेरी मजबूरी थी सर, और हम नहीं चाहते थे ये बात किसी को पता चले। और आप लोगों को पता कब चला कि सार्थक का खून हो गया? जब बाहर से चिल्लाने की आवाज आई तभी हम लोगों को मालूम पड़ा कि सार्थक। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना के सुना रहा है,
कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि सार्थक की मौत हुई कैसे। रो क्या गया इसे? ओए सारुखे, हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहे क्या? मैं वाइफ को फोन करता हूँ सर। अरे नहीं, सालूम के साथ सटक गए। नहीं नहीं फ्रेडी, नहीं नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, अपनी वाइफ को फोन मत करना प्लीज। बस इधर आओ, इधर आओ, मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ। मैंने किताब में पढ़ा है एक केमिकल ऐसा भी होता है जो शरीर में अगर जरा सा भी चला जाए ना तो पूरे शरीर को पैरालिसिस हो जाता है। मतलब उस पैरालाइज करने वाले केमिकल की वजह से इसकी मौत हुई? कैसे? मैं बताता हूँ, ये देखो बस, ये देख रहे हो ये निशान? सारुखी, तो वही निशान है ना जिसमें से ये सार्थक ड्रग्स लेता था। एग्जैक्टली, इसी जगह से इसे वो केमिकल दिया गया जिससे इसके फेफड़े पैरालिटिक हो गए और इसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। और एक बात सर, जिस इंजेक्शन से उसे वो केमिकल दिया गया था उसकी सुई काफी मोटी थी। सुई मोटी हो या पतली उससे क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना है। बॉस आप लोग सोचो, जो आदमी हर रोज सुई लगा करके ड्रग्स लेता है वो एक ही तरीके की सुई लगाएगा ना, इसने अचानक मोटी सुई क्यों लगाई? मतलब किसी ने सार्थक की सिरिंज बदल दी या फिर किसी ने जबरदस्ती पैरालाइज करने वाला केमिकल इसके गले में लगा दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है अभिजीत। अभिजीत, ये जो कोई भी है सार्थक के जान पहचान वाला ही है जो जानता था कि सार्थक ड्रग्स लेता था। सर, फिर तो ये वाला केमिकल सुई में भी लगा होगा जो हमें सार्थक के मेकअप रूम से मिली थी। नहीं, उसमें हमें कोकेन मिला है। वैसे सारुंग है, ये केमिकल कितना वक्त लेता है असर दिखाने में? कम से कम 20 मिनट। सारुंग साहब, सार्थक की मौत कितने बजे हुई थी? 3:30 बजे। इसका मतलब 3:10 पे वो केमिकल वाला इंजेक्शन सार्थक को लगाया गया। ठीक 20 मिनट बाद केमिकल ने अपना असर दिखाना शुरू किया और इसकी मौत हो गई। मतलब अभिजीत, खूनी 3:10 से पहले उस कमरे में गया था सिरिंज बदलने के लिए। हाँ सर, काम होने के बाद वापस उस कमरे में गया और पैरालाइज करने वाली सिरिंज वहां से गायब कर दी। अभिजीत, ये जिसने भी किया है वो जरूर वहां पर मौजूद था उस थिएटर, कोई जान पहचान वाला। थिएटर में जाकर ढूंढो, देखो वो सिरिंज है क्या वहां पर। सर, अगर वो जहरीली सिरिंज मिल जाए तो शायद खूनी के उंगलियों के निशान उसमें से मिल सकते हैं। यहां से कोई अंदर बाहर नहीं गया है तो सिरिंज यहीं कहीं होनी चाहिए, ढूंढो। मेकअप बॉक्स मिला है कबर्ड से। कौन है सर? ये क्या कमाल है सर, इतने बड़े मेकअप के बॉक्स में छोटा सा चावल का दाना क्यों बांध के रखा हुआ है? इस राइस पे कुछ लिखा हुआ है, तो एक जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना, देखिए क्या लिखा है। So, to S with love, M Kumar. चावल के दाने पे प्यार भरा मैसेज। ये S कौन है? सर कहीं ये S सार्थक तो नहीं? सार्थक, M Kumar. विवेक, जरा मेकअप मैन को बुलाओ। चावल के दाने में हर कोई लिख नहीं सकता।
ये मेकअप किट सार्थक का है? नहीं सर, उनकी नहीं है। तो फिर किसका है? सार्थक साहब के मेकअप मैन है अभिषेक, उनकी है ये। तो फिर तुम कौन? मैं अभिषेक जी का असिस्टेंट हूँ, संदीप। पता नहीं वो कई दिनों से नहीं आ रहा है। जरा एड्रेस देना इस अभिषेक का। अभिषेक, ये मेकअप मैन का घर है? इतना बड़ा? दोनों जरा कहाँ छुप के बैठा है? अभिषेक, अभिषेक, सर, आवे, सर, सर कहीं इसे भी खूनी ने मार तो नहीं दिया? मरा नहीं है, शराब पी के लुढ़का हुआ है। ए, ज्यादा पी लिए इसलिए मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है। पानी लेके आओ, पानी डालो इसे, उठा इसको। ए, ए, अभिषेक, ए एम कुमार को जानते हो? मैं किसी एम कुमार को नहीं जानता साहब, किसी एम कुमार को नहीं जानता। तो फिर तुम्हारे मेकअप बॉक्स में वो चावल का दाना कहाँ से आया जिस पर एम कुमार लिखा हुआ था? हैं? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। कुछ नहीं किया? तलाशी लो इसके घर की, अभी पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया साहब? शराब पी के पड़ा हुआ है, पूछ रहा क्या क्या है? सब सर, अलमारी में से ये कुछ पैसे मिले और मनी ऑर्डर फॉर्म्स जिसपे एम कुमार का नाम लिखा हुआ है और भेजने वाले का नाम सार्थक। मतलब सार्थक इसे एम कुमार को पैसे भेज रहा है और बीच में ये अभिषेक खा रहा है। मनी ऑर्डर फॉर्म में एम कुमार का नाम लिखा है, उसके पैसे यहाँ पे है और बोल रहा है उसको जानता नहीं है। कौन है एम कुमार? ठीक से याद नहीं आ रहा साहब, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ। सर मैं इसे याद दिलाता हूँ। सारा पैसा। एम कुमार कौन है? वो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन सार्थक हर महीने उसको पैसे भेजता था। विवेक अरेस्ट कर लो इसे। एम कुमार का एड्रेस जबलपुर लिखा हुआ है, जबलपुर के पुलिस स्टेशन से पता करो कौन है ये एम कुमार। सर इस फाइल में सारी जानकारी है एम कुमार के बारे में। मीनाक्षी कुमार, ये एम कुमार एक औरत है? जी सर। हम तो इस एम कुमार को आदमी मान के चल रहे थे। वैसे ये मीनाक्षी कुमार रहती कहाँ पे? सर यही पास के एक गांव में वो रहती थी, मगर 5 साल पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्या, उन्होंने आत्महत्या कर ली? जी सर। सर वो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, उन्होंने केमिकल भी बनाया था। उन्होंने आत्महत्या कैसे की? सर जो केमिकल उन्होंने बनाया था वो उन्होंने खा लिया, पूरे शरीर में लकवा मार गया, पैरालिसिस, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, मौत हो गई। अपने ही बनाए हुए केमिकल को खाकर आत्महत्या कर ली। तुम लोगों ने ठीक तरीके से पूछताछ की है ना? ओके 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 ठीक है, वो सारी डिटेल्स फैक्स कर दो और साथ में फोटोग्राफ भी। या सर, एम कुमार के बारे में पता चल चुका है। अच्छा, क्या डिटेल? सर एक साइंटिस्ट का नाम है मीनाक्षी कुमार, इन्होंने ही वो केमिकल ढूंढ के निकाला था जिससे सार्थक की मौत हुई। मतलब सार्थक का खून मीनाक्षी ने किया? नहीं नहीं, उन्होंने तो 5 साल पहले आत्महत्या कर ली है सर, उसी केमिकल से। मीनाक्षी ने आत्महत्या की थी? तो फिर सार्थक इस मरी हुई मीनाक्षी को पैसे क्यों भेज रहा था? सर हो सकता है कि सार्थक को मालूम ही नहीं होगा कि मीनाक्षी की मौत हो गई है। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, सार्थक मीनाक्षी को पैसे भेजेगा ही क्यों? मीनाक्षी उसकी क्या लगती थी? फ्रेडी, सार्थक और मीनाक्षी दोनों की मौत एक ही केमिकल की वजह से हुई है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर जरूर था। सर सार्थक की मौत से किस किस को फायदा हो सकता था? दो लोगों को फायदा हो सकता था, एक गौतम और दूसरा अंकुश। अब गौतम का नाटक हिट होने वाला था और अंकुश को उसी नाटक में सार्थक का रोल मिलने वाला था।
सर, सर मीनाक्षी की डेथ सर्टिफिकेट आ गई सर। तो ये है मीनाक्षी की बेटी। अच्छा, अभिजीत, ये कौन है? थिएटर के आर्टिस्ट के साथ कोई इस तरह बर्ताव नहीं करता। आप लोगों को दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट मत कीजिए हमें। देखिए, आर्टिस्ट की इंसल्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब असली पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। आई एम श्योर ये वाला नाटक आप सबको पसंद आएगा। नाटक का नाम है खूनी का पर्दाफाश, और खूनी आप में से ही कोई है। अगर आपको मालूम है कि खून हम में से किसी ने किया है, तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते हैं आप? क्योंकि हमें सबूत चाहिए, और आप, हमें सबूत मिल गया है। तो आप बताते क्यों नहीं, कौन है वो? खूनी वही है जिसे मालूम था कि सार्थक ड्रग्स लेता है। क्या इसका मतलब सार्थक की मौत ड्रग लेने से हुई? जी हाँ, जब लीला, संजीव और राहुल स्टेज पर थे, तो किसी ने सार्थक की ड्रग्स वाली सिरिंज की जगह एक जहरीली केमिकल वाली सिरिंज रख दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर तो सार्थक के मेकअप मैन ने उसे मारा होगा। नहीं, सार्थक का खून मेकअप मैन अभिषेक ने नहीं किया। अभिषेक के लिए सार्थक एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। पिछले 20 सालों से उसे धोखा देकर पैसे कमा रहा था, वो उसे क्यों मारेगा? क्या 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 मतलब है आपका? मतलब नहीं, डरो नहीं, खून तुमने भी नहीं किया है। तुम तो उस वक्त स्टेज के पीछे थे। वैसे भी पब्लिसिटी के लिए तुम किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन सर, बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर खून किसने किया है। खून अंकुश ने किया है। मैं क्यों किसी का खून करूंगा सर? क्योंकि सार्थक की मौत से तुम्हें फायदा होने वाला था, उसका रोल तुम्हें मिलने वाला था, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है सर, इल्जाम है मुझ पर। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि कभी मैं सार्थक का बुरा करूं। तुम उस वक्त जीना के साथ में थे, अपने कमरे में क्लासेस ले रहे थे, बीच में मौका देख के सार्थक के कमरे में गए, उसका खून किया और वापस आ गए। ये सिर्फ आप लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं जानता हूं आप सब लोग मिले हुए हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं मार डालूंगा, ही छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। एक एक को मार डालूंगा। खून तुम करोगे, कहानी हम बनाएंगे। निकल, ले जाने। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं सर, ये बहुत अच्छे आदमी है, ये खून नहीं कर सकते सर। होता है ऐसा, जो है वो लगता नहीं है, जो लगता है वो होता नहीं। खैर, आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। अभी आप लोग जा सकते हैं। कविता जी, जरा सुनिएगा। जी। मैंने तो कविता को बुलाया था। ये कविता नहीं है सर। हाँ, ये कविता थी, अब ये लीला है। कविता कुमार, मीनाक्षी कुमार की बेटी, सार्थक की सौतेली बेटी। ये इस फोटो में आप ही है ना? बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट है जैसा आपने पहना हुआ है। सार्थक का खून क्यों किया तुमने? सार्थक का खून लीला ने किया है। हाँ,
लेकिन आप लोगों ने तो अंकुश को पकड़ा है। हाँ, वो सब एक ड्रामा था लीला जी को रिलैक्स करने के लिए, नहीं तो कविता का नाम बुलाने पे अचानक पलटती कैसे। इस पेंडेंट ने फंसा दिया मुझे, अगर ये नहीं होता तो आप लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते थे। सर, सर ये सिरिंज इनके मेकअप बॉक्स में थी, बहुत होशियारी से छुपा के रखी थी। ऐसे कैसे आप मेरे मेकअप बॉक्स को हाथ लगा सकते हैं? हम आपके मेकअप बॉक्स को भी हाथ लगा सकते हैं और तुम्हें भी। हाँ, मैं ही खूनी हूँ, मैंने ही मारा है सार्थक को। क्यों मारा तुमने सार्थक को? उसने मेरी माँ की जिंदगी तबाह कर दी थी। कैसे? उसने पैसों के लिए मेरी माँ से शादी की थी, लेकिन जैसे ही उसे एक्टिंग का भूत सवार हुआ, उसने मेरी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ से झूठा वादा किया उसने कि हर महीने पैसे भेजेगा, लेकिन आज तक एक कौड़ी नहीं भेजी उसने। मेरी माँ न जाने कितनी रात भूखे जाग जाग कर रो रो कर काटी है उसने। तुमने या तुम्हारी माँ ने सार्थक से पूछा नहीं क्यों पैसे नहीं भेजे उसने? उन पर कितनी बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कहता था कि मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करो, बाद में फोन करो। यही जवाब सुन सुन कर मेरी माँ परेशान हो गई, और इसलिए एक दिन उसने अपने आप को अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए तुमने प्लान बनाया। हाँ सार्थक जिस थिएटर कंपनी में काम करता था, मैंने उसी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ा ली। उसने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम तो बेटी थी ना उसकी? बेटी तो थी उसकी, लेकिन सिर्फ नाम की सौतेली बेटी जो थी। मेरी माँ को छोड़ने के बाद उसने मुझे कभी देखा ही नहीं था, इसलिए मुझे पहचान ही नहीं सका वो। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि सार्थक ड्रग्स लेता? जब भी वो ड्रग का इंजेक्शन लेता था मैं उसकी मदद करती थी, क्योंकि उसको आर्थराइटिस की बीमारी भी थी, इसलिए अपने आप इंजेक्शन ही नहीं ले पाता था वो। और इसलिए मौका देख के तुमने वो ड्रग्स की सिरिंज बदल दी। मगर उस वक्त तो तुम स्टेज पर थी, तो तुम्हें मौका कब मिला इंजेक्शन लगाने का? मैं 5 मिनट के लिए स्टेज छोड़कर चली गई थी, मगर इंजेक्शन लगाने के फौरन बाद लौट आई, इसलिए किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। लीला उर्फ कविता, सार्थक हमेशा तुम्हारी माँ को पैसे भेजा करता था, लेकिन जिस मेकअपमैन को उसने ये काम सौंपा था उसने गद्दारी की, मगर तुमने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की और बेचारे सार्थक की जान ले ली। बहुत बड़ी गलती की तुमने, अब इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।